Student's computer is an electronic machine that help us in doing many difficult calculations and in many different types of work. Now we have computers, but student, do you know computers were not always available? Thousands of years ago, men used to keep account of numbers by using bones, stones, etc. As the need to do large calculations grew. People attempted to develop machines to do fast calculation. The earliest known device used to do calculation is Abacus. Later on, efforts were made to develop better devices which could do more and more difficult calculations at a faster speed. स्टूडेंट्स अबैकस वाज फ़र्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस जो थी फ़र्स्ट कैलकुलेशन के लिए जो डिवाइस बनाई गई थी वो अबैकस थी पहले ज़माने के लोग जो थे जब कंप्यूटर नहीं था उनके पास तो वो लोग हड्डियों को और पत्थरों को इस्तेमाल करते थे कैलकुलेशन के लिए यानी हिसाब किताब जब उन्होंने करना होता था तो वो हड्डियों को इस्तेमाल करते थे और पत्थरों को इस्तेमाल करते थे और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम लार्ज कैलकुलेशंस के लिए इंसानों को ज़रूरत पड़ी कि उन्हें हिसाब किताब रखने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत है तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे काम किया और जो है मुख्तलिफ़ मशीनें डेवलप की और सबसे पहली डिवाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है अबेकस थी अबेकस से लेकर आज तक जितने भी कंप्यूटर बने उसमें सिर्फ़ एक इंसान का किरदार नहीं है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना रोल प्ले किया है जिसके बाद हमारे पास ये कंप्यूटर आया इस चैप्टर में हम उन तमाम डिवेलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अबेकस अबेकस वॉज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट टू थाउजेंड्स ईयर्स अगो अबेकस सबसे पहली डिवाइस थी जो कि कैलकुलेशन के लिए यानी हिसाब किताब के लिए बनाई गई थी और ये चाइना में दो हज़ार साल पहले बनाई गई थी स्टूडेंट्स अबेकस इज मेड ऑफ अ वुडन फ्रेम विद रॉड्स हैविंग बीट्स देयर इज़ अ क्रॉस बार दैट सेपरेट्स द बीड्स ऑन द रोड द अपर पार्ट हैज़ टू बीड्स एंड द लोअर पार्ट हैज़ गॉड फाइव बीड्स द बीड्स आर मूव नियर और अवे फ्रॉम द क्रॉस बार टू डू कैलकुलेशंस स्टूडेंट्स अबेकस लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम होता है जिसमें अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है दो इसके पार्ट्स होते हैं जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें रॉड में दो बीट्स होते हैं और जो है लोअर पार्ट होता है उसमें रॉड में, में फाइव बीट्स होते हैं और इसके ज़रिए कैलकुलेशंस की जाती है पासकलाइन ब्लेस पासक्लाइन अ फ्रेंच डिवेलप्ड अ मशीन कार्ड पासक्लाइन इन द ईयर 1642 दिस मशीन हैड व्हील्स एंड गियर्स इन इट इट कुड परफॉर्म एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिजन बाई रोटेटिंग दिस व्हील्स पास्कलाइन इज सैड टू बी द फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ़ द वर्ल्ड पास्कलाइन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कलाइन ने 1642 में एक मशीन याजाद की जिसे पास्कलाइन कहते हैं इस मशीन में व्हील्स और गियर्स होते हैं जिसकी मदद से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जाती है ये चार फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे और ये फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड था यानी कि दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटर था डिफरेंस इंजन चार्लिस बेबेज डिजाइन अ मशीन इन एटीन ट्वेंटी टू विच वू कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स इट कॉल्ड द डिफरेंस इंजन द डिफरेंस इंजन वॉज एबल टू डू कैलकुलेशन अप टू ट्वेंटी डेसीमल प्लेस मकैनिकली चार्लिस बेबज ने अठारह सौ बाईस में एक मशीन बनाई जिससे डिफरेंस इंजन कहते हैं और इस मशीन के जरिए टेबल्स को कैलकुलेट किया जाता था analytical engine in 1833 to 34 charles babbage designed an other machine this was named the analytical engine the modern computers was based on the principle on which analytical engine was designed therefore the analytical engine is said to be the first computer charles babbage is known as the father of computers चार्ल्स बेबिज ने डिफरेंस इंजन के बाद 1833 थर्टी थ्री टू एटीन में एनालिटिकल इंजन बनाया और ये इंजन जो है इसकी बेस पे आजकल के कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं और इस कंप्यूटर को यानी कि एनालिटिकल इंजन को फर्स्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है और चार्ल्स बेबिज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं टेब्यूलेटिंग मशीन इट यूज़ द मैथड ऑफ कार्ड पंचिंग फॉर स्टोरिंग डाटा द कार्ड पंचिंग मेथड प्रोवाइड वेरी सक्सेसफुल एंड वाज लेटर यूज फॉर मैनी ईयर टू स्टोर एंड रिकॉल डाटा टेबुलेटिंग मशीन में पंच कार्ड को यूज़ किया जाता था और ये पंच कार्ड डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे इन 1941 प्रोफेसर हॉवर्ड एकन यूज़ द आइडिया ऑफ चार्लिस एंड डिज़ाइन अ कंप्यूटर विद द इंजीनियर्स ऑफ अ कंपनी कार्ल आईबीएम। बी IBM stands for International Business Machines. This computer worked electronically without any manual efforts. It could perform addition, subtraction, and multiplication. This computer was named as Mark I. Mark I was also known as Automatic Sequence Controlled Computer (ASCC). 1941, May Howard ne चार्लीस बेबीज के आइडिया पर काम किया और आई के इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक कंप्यूटर डिज़ाइन की। ENIAC। इम्प्रूवमेंट्स इन द डिज़ाइन ऑफ मार्क वन लीड टू द development ऑफ another कंप्यूटर दिस was नेम्ड as ENIAC नूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड and इट It was designed by Eckert and Mockley in 1946. मार्क वन के डिज़ाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट की गई तो और एक नया कंप्यूटर बनाया गया जिसे बोलते हैं इनक इट्स एग इट्स एग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डी डे स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इनक के कुछ सालों बाद वॉन न्यूमन ने ये बात कही कि कैलकुलेटिंग रिजल्ट स्टोर करते हैं कंप्यूटर में इसके अलावा कंप्यूटर में हम प्रोग्राम्स को, को भी स्टोर कर सकते हैं आई बी एम पी सी इन नाइनटीन एटी वन विलियम सी लोअर डिवेलप कंप्यूटर फॉर आई बी एम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दिस वॉज कॉल्ड एज द पर्सनल कंप्यूटर और पी सी दिस हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज टूडे आई बी एम ने क्या किया था एक कंप्यूटर कंप्यूटर बनाया जिससे पर्सनल कंप्यूटर यानि पी सी कहते हैं और आज कल उसे इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट होप यू इंजॉय द लेक्चर थैंक यू